एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BSOC 109 का समरी कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारा एग्जाम है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा ये BSOC 109 जो सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप है, इस पर बुक हम ऐसे ही कवर करेंगे। इसे बहुत डिटेल में जैसे हम पढ़ाते हैं रिसर्च करके वैसे ही पढ़ाएंगे, बस ये कल के लिए है और लास्ट टाइम पे लास्ट टिप्स हैं। तो ये ऐसे अगर वीडियो देखिए तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि कंटेंट ऐसा, ये कंटेंट बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, ये बस इमरजेंसी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर टू है। चैप्टर टू में आपको क्या पढ़ना है? चैप्टर टू में आपसे फैमिली के बारे में पूछेगा, मैरिज के बारे में पूछेगा, डिस्केंट और अलायंस, यही तीन क्वेश्चन आपसे बन सकता है। फैमिली के बारे में जैसे ही पूछेगा, फैमिली का डेफिनेशन दीजिएगा, टाइप्स ऑफ फैमिली बताइएगा, फैमिली कितने तरह का होता है, फंक्शन बताइएगा, फैमिली का फंक्शन क्या है, और पैटर्न ऑफ रेजिडेंस कि रेजिडेंस किसके, मतलब कहाँ रहेंगे लोग। अब ये डिपेंड करता है ना कि अगर वो मैट्री लोकल है तो आप माँ के घर पे रहेंगे, ठीक है। अब पैट्री लोकल है, लोकल समझ रहे, जगह से बोले किस लोकेलिटी से आप रहते हैं, लोकेलिटी आपका क्या है, मतलब आपके रहने की बात किया जा रहा है। और अगर पैट्री लोकल है, पैट्री मतलब फादर, पैट्री लोकल है तो पैट्री से आप मतलब अपने पापा के घर रहेंगे, ठीक है ना। पापा के घर है, हम लोग जनरली कहाँ रहते हैं, हम लोग पापा के घर पर रहते हैं, नानी के घर तो बस समर वेकेशन में जाते हैं ना। तो ये पढ़ना है। दूसरा हमारा आएगा टारगेट रखेंगे कि जो वीडियो है ना हमारा 10 मिनट का हो, 10 मिनट में चैप्टर हम लोग को थोड़ी वाइज कर ले, मतलब समरी कर लेंगे। और कंसेप्ट ऑफ मैरिज, मैरिज के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अलग अलग लोग अलग अलग तरह का मैरिज का कंसेप्ट देते हैं, क्योंकि आप खुद जब हम पढ़ाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितना ही डाइवर्स है मैरिज। जनरली हम लोग क्या जानते हैं मैरिज के बारे में, सिंपल भाषा में समझिए, एक लड़का एक लड़की का शादी, पर जनरली ऐसा ही नहीं होता है। और एक लड़की अपने लड़का के घर में चली जाती है। अब रील्स खोलिए ना, शॉर्ट्स खोलिए, मैरिज में आपको बस यही दिखेगा, लड़की का शादी और लड़की विदाई में रो रही है, लड़का के घर जा रही है, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। सोशियोलॉजिस्ट लोग बहुत सारे रिसर्च करके बताते हैं कि कितने कितने तरह का मैरिज भी होता है। टाइप्स ऑफ मैरिज में आ जाएगा, पहले कंसेप्ट ऑफ मैरिज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैरिज पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्केंट और अलायंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले फैमिली के बारे में। देखिए किनशिप पढ़े और फैमिली ना पढ़े तो फिर अधूरा है। रिश्ता बन कहाँ से रहा है? परिवार से तो बन रहा है। परिवार के लोग तो हमारे रिश्तेदार होते हैं, परिवार के लोग से तो हमारा रिश्ता होता है। कितना भी झगड़ा हो जाए फिर वापस फाइनली रिश्ता होना ही है। तो परिवार फैमिली को हम पढ़ेंगे। तो फैमिली क्या है? एक तरह का सबसे इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है किनशिप के लिए। ये हमारे बिहेवियर को, हमारे हमारे वैल्यूज को, सबको बनाता है। अगर घर में ही वो देख रहे हैं कि पूजा पाठ नहीं होता है तो उस बच्चे का वैसा ध्यान नहीं रहेगा, वो बच्चा वैसा नहीं रहेगा। तो हमारा जैसा हमारा बिहेवियर होगा, हमारा किस तरह से नॉर्म्स होगा, हम किस तरह के नॉर्म्स, किस तरह का रूल्स फॉलो करेंगे, वो हमारे फैमिली पर डिपेंड करता है। ये थ्रू आउट टाइम टू टाइम, सोसाइटी टू सोसाइटी बदलता चला जाता है। दूसरा, ये जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसफ़र होता चला जाता है। इमल डरखाइम वो कंक्लूजन में बोलते हैं कि ये जो कस्टम्स वगैरह है ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फैमिली का जो कस्टम्स है वो डिपेंड करता है कि वो फैमिली किस सोसाइटी का है। दूसरा बात हमारा आएगा कि ये पैटर्न कहाँ गया, हाँ टाइम, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फैमिली के यूनिट्स के। अब ये माइल्ड क्राइम का ध्यान जाता है कि क्या फोर्स होता है, कौन सा फोर्स है जो फैमिली को इकट्ठे रखता है। यही तो है किनशिप, यही तो है रिश्ता जो हम लोग को इकट्ठे करके रखता है। हम लोग घर कितना भी गुस्सा से भर के बाहर चले जाए, वापस घर पे ही लौट के आएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को एक सॉलिडारिटी बनाने में हेल्प करता है, सॉलिडारिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। और फैमिली छोटा छोटा फैमिली से एक सोसाइटी बनता है, सोसाइटी से एक स्टेट बनता है, स्टेट से नेशन और नेशन से एक पूरा वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हम सॉलिडारिटी मेंटेन करने के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। फैमिली जो होता है ये किनशिप के लिए एकदम सोशल रिकॉग्निशन की तरह है, ये यूनिवर्सल है, हर जगह देखने को मिलेगा फैमिली। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आपको फैमिली देखने को नहीं मिलेगा। देखिए ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सोशल साइंटिस्ट है वो बोल रहे हैं, फिर कोई दूसरे साइंटिस्ट आके बोलेंगे नहीं ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता कि यूनिवर्सल है। किसी किसी जगह पे ऐसा भी जगह है जहाँ पे फैमिली देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट का बात हम बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं कि फैमिली जो है ये यूनिवर्सल है, हर जगह देखने को मिलता है। जिसमें पीटर मूडॉक का जो बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वो बताते हैं कि फैमिली जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिपेंड करेगा, पर उनका कुछ चीज़ ऐसा है कि जो कॉमन रहेगा, जो जनरली ये हर तरह के फैमिली में पाया ही जाएगा। जैसे कि रेसिडेंस, वो सबसे कॉमन क्या रहेगा उनका, रहने जो सेम फैमिली के लोग होंगे एक ही जगह पे रहेंगे, वो फैमिली के लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन का भी है कि ऐसा नहीं कि कोई किसी के साथ भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा नहीं है, जिसका दो शादी होगा वही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है आपस में लोगों का, मतलब पैसा के थ्रू से हेल्प करते हैं आपस फैमिली का। मान लीजिए किसी का भाई बीमार है और एक भाई पार्टी कर रहा है डोमिनोज में जाके, तो ये तो एकदम समाज में रहने लायक नहीं होगा, मतलब समाज उसको तिरस्कार से भर देगा कि आप कैसे भाई हैं, भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपका तो आपको आप
क्यों नहीं अपने भाई को देख रहे, क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि समाज का नॉर्म्स है, समाज नॉर्म्स बनाई है कि फैमिली के लोग एक इकोनॉमिक रिलेशन, इकोनॉमिक सपोर्ट करते, इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए बने हैं, ठीक है। और ये उसमें जिसमें बोथ सेक्सेस के लोग रहते हैं, मतलब लड़का लड़की दोनों ही सेक्स के रहेंगे लोग, ऐसा नहीं है कि बस लड़की ही रहे, लड़की का ही फैमिली होगा, लड़का का ही फैमिली होगा, मतलब लड़की ही रह रही है ग्रुप में और लड़का ही ग्रुप में रह रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इतना ही है फैमिली के बारे में। और दूसरा आता है हमारा टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली कितने कितने तरह का फैमिली होगा, यहाँ पे आपका न्यूक्लियर, आपके बुक में जो दिया है न्यूक्लियर दिया है, जॉइंट दिया है, एक्सटेंडेड दिया है। न्यूक्लियर में जनरली होता है पापा मम्मी हम और मेरा भाई, बस एक एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, दो जनरेशन का ही बात चल रहा है। जॉइंट फैमिली में होगा एक दो तीन, दादा दादी, पापा मम्मी, बच्चे लोग, तीन जनरेशन का बात होगा। तीन जनरेशन से ज़्यादा भी हो सकता है, एक वर्टिकली होगा और एक हॉरिजेंटली भी हो सकता है। मान लीजिए तीन जनरेशन का बात हो रहा है, दादाजी, पापा और हम लोग, ठीक। और ये ऐसा भी हो सकता है, ये तो वर्टिकली और हॉरिजेंटली में हो जाएगा कि दादाजी, पापा, पापा के भाई, पापा के एक और भाई, पापा की एक बहन, ये और उनके बच्चे सब लोग मिलकर रह रहे हैं, ये तो आपका हो जाएगा एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली में दो आ जाएगा, एक तो कोलैटरल फैमिली हो जाएगा और फ्रेटर्नल फैमिली फ्रेटर्निटी होता है ना, ब्रदरहुड, भाईचारा वाला बात, फ्रेटर्निटी है ना, हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है संविधान में, अगर आप पढ़े होंगे तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा वाला। तो पापा के भाई और मतलब एक दादा दादी, दादा दादी के दो लड़के या तीन लड़के या चार लड़के, मतलब यहाँ पे फ्रेटर्निटी का बात है। यहाँ पे जो हम बोले ना कि पापा की बहन हो सकती है, पापा की बहन एक फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली में नहीं आएगी, वो आपके ना एक्सटेंडेड किन में आ सकती है, दूर के रिश्तेदार में आ सकती है, क्योंकि वो अपने में नहीं आएंगी और वो उतनी भी दूर नहीं रहेगी। वेरिएशन है बहुत सारा, ज़्यादा डिटेल में जितना जाइएगा उतना अलग अलग टर्मिनोलॉजी आता जाएगा, पर जनरली बात यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब है कि तीन जनरेशन होगा वर्टिकली भी, और मतलब दो से ज़्यादा जनरेशन होगा वर्टिकली भी और एक्सटेंडेड हॉरिजेंटली भी होगा, मतलब पापा भी रहेंगे, पापा के भाई भी रह सकते हैं, ये पूरा जॉइंट फैमिली होगा। हम लोग इतना समझते हैं जॉइंट फैमिली के बारे में क्योंकि इंडियन कल्चर में जॉइंट फैमिली को बहुत माना जाता है, कि अभी भी हमारे घर में पता है सारे लोग ना एक साथ रहते हैं, दोनों भाई बहन एक साथ रहते हैं, भले घर में कितना भी झगड़ा झमेला हो जाए चलेगा, पर रहना तो साथ ही में है, ठीक है। तो जब यह वो अलग बात है, फंक्शन ऑफ द फैमिली आता है फिर उसके बाद। फंक्शन ऑफ द फैमिली में क्या फंक्शन आप लिखिएगा, पांच फंक्शन है, उसको आप डिटेल में अगर लिख सकते हैं, बस आप पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहला है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल डिजायर को आप फैमिली में एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर आपका शादी हो गया है तो फैमिली आपको सेक्सुअल डिज़ायर एक्सप्रेस करने का मौका देती है विद द हेल्प ऑफ शादी करने के बाद आप घर में आके अपने फैमिली के थ्रू आपके जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, आप अपना सेक्सुअल रिलेशन उनके साथ बना सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस जब करेगी वो लेजिटिमेट बच्चा होगा। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर है, जो काम है, काम को बांटा गया है फैमिली में कि कौन कौन घर का काम करेगा, कौन बाहर का काम करेगा, कौन बच्चा को देखेगा, कौन बच्चा का पैसा देगा, फीस का, स्कूल का फीस देगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी रहता है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हम पहले भी बताए थे, और सोशलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सोशलाइजेशन करेगा। तो पांच हुआ, पहला हमारा रिप्रोडक्शन, सोशल सेक्सुअल डिजायर, डिवीजन ऑफ लेबर, इकोनॉमिक बेनिफिट्स और सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है, हम लोगों को सिखाएगी कि हमको समाज में कैसे रहना है, ठीक। इसके बाद हमारा आता है पैटर्न ऑफ रेजिडेंस, थर्ड पॉइंट, पैटर्न ऑफ रेजिडेंस में क्या आता है कि आप किसके घर पर रहेंगे। देखिए कितने तरह का रेजिडेंस है, आप टर्म्स याद रखिएगा, और टर्म्स हम समझा देते हैं, तो टर्म्स याद रखिएगा और टर्म्स को हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना आप लिख दीजिएगा तो चलेगा। क्या है, सबसे पहले आप याद कीजिए, वेरी लोकल, आपकी बुक में है, आप बुक खोल लीजिए, यूरी लोकल है, युगजोरी लोकल है, एम्पी लैटरल है, यूट्रोलैटरल है, ठीक है, याद रखिएगा ये। तो वेरी लोकल में क्या हो जाएगा, जिसमें आप जो लड़की होगी, जो बच्चे होंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे, बच्चे पापा के घर पे रहेंगे, जैसे हम लोग दादा दादी के घर पे रहते हैं, ठीक। और युगजोरी लोकल मतलब क्या होता है, जो बच्चे होंगे कहाँ रहेंगे, वो मम्मी के घर पे रहेंगे, ठीक है। मम्मी के घर पे रहने का मतलब है मम्मी के नेटल हाउस में रहेंगे, नाना नानी के घर पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एम्बीलेटरल, एम्बी जब भी आता है ना, एम्फीबियन पढ़े ना, एम्बी वर्ड जो होता है ना, मतलब एम्बीवेलेंट होता है ना, एक्स्ट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है, एक्स्ट्रोवर्ट जो बहुत बोलने वाले होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं कम बोलने वाले होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं जो दोनों उतना ज़्यादा बोलते हैं ना कम बोलते हैं, एम्बीवर्ट होता है, एम्बी मतलब बोथ होता है, ठीक है। तो एम्फीबियन है ना, एम्फी जो लैंड में भी रहता है, वाटर में भी रहता है, तो टर्म से आप बहुत सारी चीज़ याद रख पाएंगे ऐसे, इसलिए हम जितना हो कोशिश करेंगे कि जो मेरे को जितना पता है हम आपको बता पाएँ, और अगर टाइम मिला होता तो जरूर रिसर्च करके बताते, जो नेक्स्ट टाइम पे जब हम पढ़ाएंगे वीडियो तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे इसको,
फिलहाल कल के लिए जो है तो हड़बड़ी में बताना पड़ा है। एम्बिलेटरल क्या है? एम्बिलेटरल ऐसा है कि आप ये जो किनशिप है ना, जो रिश्ता है, आप किसी का भी ले सकते हैं। आप बोथ पेरेंट्स का अलाव है आपको, आप मम्मी का भी ले सकते, मम्मी के साइड से भी ले सकते हैं, पापा के साइड से भी ले सकते हैं आप, या फिर दोनों का भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों का मेंबरशिप चलता है इसमें, ठीक है। जैसे इब्न सोसाइटी में ऐसा होता है, पर लाइक द इब्न सोसाइटी, इब्न सोसाइटी में ऐसा होता है कि आप दोनों ले सकते हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसा सोसाइटी है जहाँ पे एक ही मेंबरशिप आप ले सकते हैं, या तो पापा का लेंगे या फिर मम्मी का लेंगे। इसको यूट्रोलैटरल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चार टर्म्स हम लोग पढ़े, एक वीरी लोकल पढ़े, एक यूक्सोरी लोकल पढ़े, एम्बिलैटरल और यूट्रोलैटरल। उसके बाद हमारा आता है मैरिज का कंसेप्ट। मैरिज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ मैरिज, देखिए मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है कि किसी ग्रुप ऑफ लोग एक ही काम के लिए अगर एक साथ रहते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन बना देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स भी एक साथ रह रहे तो इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, ऑफिस के लोग एक साथ रह रहे तो इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो फैमिली मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन है। मैरिज में क्या होता है? दो लोग एक साथ रहते हैं, एक उन लोग को आज़ादी होता है कि वो एक बच्चे को ले सकते हैं, बच्चे को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बच्चे उनका जो बच्चा होगा वो लेजिटिमेट बच्चा होगा और यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेड होगा, और ये रिलेशन जो होगा एंड्योरिंग रहेगा। एंड्योरिंग मतलब लंबा चलने वाला होता है ना। इवन तो शादी, तो हम लोग भारत में तो शादी को सात वचन तक के लिए बोलते हैं, सात जन्म तक निभाने का बात करते हैं, मतलब मरने के बाद और भी सात जन्म में उसी के साथ रहना, तो इतना एंड्योरिंग रिलेशनशिप होता है मैरिज, ठीक है। बहुत पवित्र माना जाता है यहाँ पे भारत में, इसलिए इतना डाइवोर्स लेने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। डाइवोर्स यहाँ पे लेना इतना आसान नहीं होता, पर अब ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रिश्ता, शादी के रिश्तों को बहुत पवित्र माना जाता है, एंड्योरिंग रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हमारा आता है लेजिटिमेट रहते हैं, आप जायज़ रहते हैं कि बच्चे को आप ले सकते हैं, बच्चा आपका, ऊपर से आपका बच्चा जो है इनहेरिट कर सकता है, आपका जो प्रॉपर्टी है आप प्रॉपर्टी अपने बच्चे को दे सकते हैं, आपका बच्चा क्लेम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप दोनों का शादी हुआ है तो, ठीक है। शादी या तो मैरिज क्या है, आपको हमको अलाउ कर रहा है आप सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए और बच्चे को वो देने के लिए। आप खुद सोचिए ना, शादी के जल्दी शादी होता तो क्या होता है, शादी हुआ और किसी का अर्ली बेबी आ गया है तो सबसे सब लोग हाथ रिश्तेदार लोग के काउंट करने लगता है, अच्छा शादी कब हुआ था, कि 9 महीने के बाद बच्चा हुआ है कि नहीं हुआ, क्यों करते हैं ऐसा, कि बच्चा लेजिटिमेट है कि नहीं, क्या ही हो जाना है भाई। शादी के पहले का बच्चा अगर मान लीजिए 2-4 दिन पहले का ही रहता है तो क्या ही हो जाना है, शादी तो वही है। पर नहीं, सोसाइटी को तो देखना है ना कि शादी के बाद बच्चा लेजिटिमेट होगा और एक दिन पहले हो जाएगा तो वो लेजिटिमेट नहीं होगा, क्या ही थ्योरी है, ठीक है। तो यहाँ पर शादी वो आपको क्या करा रहा है, वो बच्चे को लेने के लिए लेजिटिमेट करा रहा है, जायज बता रहा है कि आप सोशली अप्रूव्ड है, समाज आपको उसको अप्रूव करती है और आप लीगली भी अप्रूव्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ मैरिज। यहाँ तो हम लोग मैरिज के डिफिनेशन को समझे थे, बेसिक चीज़ समझे थे, और मैरिज का कंसेप्ट इतना ही इजी नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग बात बोलते हैं, अलग अलग तरह का मैरिज है, ठीक है। इतना सिंपल देखने को जैसे मिलता है वैसा सिंपल नहीं है। सेक्सुअलिटी और ये जनरली मैरिज रिलेटेड है आपका इंटीमेसी से, इंटीमेसी को रिकॉग्नाइज करता है, सेक्सुअलिटी को रिकॉग्नाइज करता है। सेक्सुअलिटी मतलब होता है क्या होता है, सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअली किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, ठीक है। और ये पर इंस्टीट्यूशन चेंज होता रहता है, जगह जगह पे चेंज होता है, अलग अलग सोसाइटी में वैरी करता है। जनरली मैरिज क्या है, बहुत अलग अलग लोग अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग नाम होते हैं। कैथलीन जो गो है वो बताते हैं कि मैरिज एक तरह का क्या है, यूनियन है दो, एक मेन आदमी और एक औरत का बच्चे को लेने के लिए, और बच्चा जो होगा वो लेजिटिमेट बच्चा होगा दोनों पेरेंट्स का, ठीक है। पर न्यू ईयर सोसाइटी जो है, न्यू ईयर सोसाइटी है उसमें क्या होता है, दो वुमेन भी शादी करती हैं, ऐसा भी शादी है, तो ऐसी शादी में आप क्या बोलेंगे, बच्चा कैसे होगा, ठीक है। पर यहाँ तो आप जैसे बता रहे हैं कि शादी मैरिज एक तरह का दो लड़का एक लड़का एक लड़की का शादी का शादी एक यूनियन है जिसमें बच्चे को ले सकते हैं, पर उस रिश्ते को क्या बोलेंगे जिसमें दो बच्चे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दो औरत कैसे बच्चा लेगी। पर न्यू ईयर सोसाइटी में इसको न्यू ईयर क्या कहेंगे, हाँ, इसमें जनरली विमेन जो होती हैं वो विमेन से ही शादी करती हैं, जिसमें एक विमेन का बच्चा नहीं होता, तो जो दूसरी विमेन होती है अपने बच्चे को उनके साथ शेयर करती हैं, ठीक है। और जो दूसरी विमेन है वो हस्बैंड की तरह बिहेव करती है, मतलब हस्बैंड की तरह एक्ट करती है, ठीक है। मैरिज होता है दो, इवन इफ देयर, हाँ, अगर दूसरे पहले से वो शादी हुई है तो दूसरे के साथ, दूसरी औरत के साथ शादी कर लेंगी और वो हस्बैंड की तरह, एक विमेन हस्बैंड की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद आता है, बताती हैं कि गिलेन जो है वो मैरिज को बताते हैं कि सोशली अप्रूव्ड एक रिलेशन है, समाज के द्वारा अप्रूव किया हुआ रिलेशन है, जिसमें आप प्रोक्रिएशन के लिए वैलिड है,
उसके बाद आपका आएगा, बस इतना ही है। और नैयर्स ट्रेडिशनली थोड़ा अलग है, इसमें मैरिज का कंसेप्ट नहीं है, और बस इतना ही है। और वेरियस टाइप बहुत और भी बहुत तरह का मैरिज है, डिटेल में पढ़ेंगे तो होगा, तो बस इतना ही आप याद कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ मैरिज में याद रखिएगा, देखिए टाइम कितना चला जा रहा है। हाँ, टाइप्स ऑफ मैरिज हमारा लास्ट है, थोड़ा सा और बचाए। टाइप्स ऑफ मैरिज में क्या है, मोनोगैमी और पॉलीगैमी है। मोनो मतलब सिंगल, गैमी मतलब मैरिज, ठीक है। मोनोगैमी मतलब एक तरह का ही, एक ही कपल होंगे, मतलब एक लड़का एक लड़की होगा, जनरली ऐसा ही पाया जाता है। पर ऐसा ये बहुत ऐसा जगह है, ऐसा भी पहले होता था जिसमें एक लड़के होते थे और बहुत सारी लड़कियां होती थी, बहुत सारी लड़की होती थी। एक होता पॉली गैमस भी होता था, जिसमें पॉली मतलब मैनी और गैमस मतलब जहाँ पे बहुत एक कपल और एक एक, एक कपल नहीं होगा, एक जने होगा और उसके उसका जो स्पाउस होगा बहुत सारा होगा, ठीक है, ये पॉली गैमस है। हाँ, उसके बाद इसमें पर एक बार कहीं कभी ऐसा भी होता है जहाँ पे आप शादी बहुत सारे लोगों से कर तो सकते हैं, पर एक टाइम पे एक ही जन के साथ रहिएगा, ठीक, मतलब एक जन को डाइवोर्स दीजिएगा तभी दूसरे के शादी कर सकते हैं। अपर कास्ट में जनरली क्या होता है, जो विडो होती है उनको दूसरे के साथ शादी करने के लिए अलाउड नहीं रहता है, वो शादी नहीं कर सकती, रीमैरी नहीं कर सकती है। पर छोटे कास्ट में जो लोग हैं वो विडो होने के बाद अपने रीमैरी कर सकते हैं, और कहीं कहीं पे लेवरेट मैरिज भी होता है। लेवरेट मैरिज मतलब वही होता है जहाँ पे आप अपने पति के भाई के साथ शादी कर सकते हैं, पहली बार बोले। पॉलीगैमी होगा, गैमी मतलब मैरिज होता है, पॉली मतलब बहुत सारा, जिसमें यहाँ पे तो था मोनोगैमी मतलब सिंगल मैरिज हो रहा है आपका, एक लड़का एक लड़की के बीच में, पर यहाँ पे आ रहा है पॉलीगैमी हो रहा है। पॉलीगैमी मतलब क्या होता है कि मोर देन एक मेट नहीं होंगे, एक से ज़्यादा मेट होंगे, मतलब एक कपल से ज़्यादा लोग होंगे, जिसमें पॉलीगाइनी भी होता है, पॉलीएंड्री भी आता है। गाइनी होता है ना, गाइनेकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो फीमेल डॉक्टर होते हैं, तो गाइनी वर्ड इज़ रिलेटेड टू फीमेल और एंड्री वर्ड इज़ रिलेटेड टू मेल, ठीक है। तो पॉलीगाइनी से मतलब पॉली मतलब बहुत और गाइनी मतलब विमेन, जहाँ पे विमेन बहुत ज़्यादा होगी और पति एक होगा तो वो हो जाएगा पॉलीगाइनी। और एंड्रोइसियम गाइनोसियम पढ़े थे ना इसमें फ्लावरिंग प्लांट से पढ़े थे ना, एंड्रोइसियम और गाइनोसियम, उसमें एंड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू मेल, ठीक है, जहाँ पे मेल पॉली होंगे मतलब ज़्यादा होंगे और विमेन एक होगी, जैसे द्रौपदी वाला आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे पॉलीएंड्री होता है, उत्तराखंड में ऐसे कुछ ट्राइब्स हैं जहाँ पे लड़की एक होती है और सब लड़के बहुत सारे होते हैं, उनके पति बहुत सारे होते हैं। तो इसमें दो तरह का चीज़ आता है, एक सोरोरल पॉलीगाइनी होता है और एक फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री होता है। सोरोरल पॉलीगाइनी का मतलब है, समझिएगा, सोरो वर्ड इज रिलेटेड टू सिस्टर, जिसमें जो उनकी एक लड़का है उनकी जो वाइफ होगी, तीन वाइफ है और तीनों वाइफ जो है ना वो तीनों बहन है, ठीक है। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री मतलब होता है भाई वाला जी, मतलब एक लड़की है उसके चार पति हैं, चारों जो है ना वो आपस में भाई हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद आते हैं नैयर्स, जो केरला है वो लोग ना अपना जो पावर जो होता है, पावर और प्रॉपर्टी जो होता है, अपने बेटे को ना देके बेटी को देते हैं। और क्या है, और इसमें है बस आपका कि डिक्लाइन, पर ये धीरे धीरे नैयर्स जो है इंडिपेंडेंस के बाद से धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा है। सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है ये जो मैरिज का जो कंसेप्ट है, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमस, पॉलीगाइनी, सब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का सोसाइटी में है। हाँ, और ये क्या है कि हर चाइल्ड का अपना बायोलॉजिकल फादर होना चाहिए, अगर उसका फादर नहीं है तो उसको सोशली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, ये मतलब लेजिटिमेट बच्चा नहीं माना जाता है, होता है ना कि बोलते हैं ना कि ये नहीं इसका बात का ठीक नहीं, तो मतलब समझो कि इसका बाप का ठीक नहीं। ये क्या है, बाप का ठीक नहीं मतलब एक तरह का गाली है, गाली क्यों, स्लैंग क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, समाज ही के द्वारा तो स्लैंग बनता है, समाज जिसको खराब मानती है वो स्लैंग बन जाता है, इसका एग्जाम्पल आप समझिएगा। तो डोम चमार वगैरह जो है ये एक स्लैंग की तरह है, क्यों स्लैंग की तरह खराब बोलते हैं, डोम चमार क्यों खराब बोलते हैं, क्योंकि समाज डोम चमार को बहुत ही नीचा मानती है, क्यों, डोम एक कैटेगरी है, डोम का एक प्रोफेशन है, वो जो मरने के वक्त वो आग बोलते हैं ना, आग लेते हैं, डोम है, चमार एक कॉबलर है, वो लेदर का काम करते हैं, पर उनको जनरली आपका अगर हम आपको बोले कि आप चमार जैसे हो तो आपको बुरा लग जाएगा, क्यों बुरा लग जाएगा, क्योंकि आपको लगता है कि चमार लोग हमारे समाज में छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या, सोशल रिकॉग्निशन जब नहीं होता वो गाली हो जाता है, तो समाज उसको प्रूव नहीं करती है अगर किसी बच्चे का बाप नहीं होता है, आई मीन फादर नहीं होते हैं, या फादर का नहीं पता होता है उनको, तो ठीक। और क्या है, लेजिटिमेट, और एक इंडियन मैरिज में जनरली बच्चा बच्चे के पापा चाहिए, ठीक है, पर कुछ कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पे अफ्रीका में ही, न्यू ईयर्स ऑफ अफ्रीका में क्या होता है कि अनमैरिड वुमेन है, अगर वो बच्चा है तो कुछ आदमी होते हैं जो पैसा देकर उसको अपना नाम दे देते हैं, ठीक है, मतलब कि हम उसके फादर हैं,
ठीक। और यहाँ भी टोडाज ऑफ साउथ इंडिया में भी ऐसा होता है कि पोस्ट मैरिज होता है, शादी के बाद अगर कोई लड़का है जो उसके बाद भी उसके पहले हस्बैंड का भी बच्चा है तो उसको भी अपना नाम वो दे देंगे विद द हेल्प ऑफ सम रिचुअल सेरेमनी वगैरह होता है और उसके थ्रू उनका नाम पड़ जाता है। ठीक है। नेचर ऑफ मैरिज जो है डिटरमाइन होता है किससे, रिलीजन पे, किस धर्म के लोग हैं। इस्लाम में जनरली होता है कि दो इंडिविजुअल और क्रिश्चियनिटी में जो है कि एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट है कि मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इवन जो आपका कैथोलिक जो है, जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन लोग तो डाइवोर्स पे बिलीव ही नहीं करते, बोलते कभी दो कपल का डाइवोर्स हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अभी भी भगवान के आँख में शादीशुदा है। इसके बाद हमारा लास्ट आएगा डिसेंट और अलायंस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, डिस्केंट में आप समझिए कि आप किसके बच्चे हैं और आपका कौन बच्चा है। ठीक है। तो ये जो डिस्केंट होता है ना, ये हमेशा मरने के बाद भी रह जाता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, आप हमेशा उनके बच्चे रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। और अलायंस जो होता है ये जनरली मरने के बाद ख़त्म हो जाता है, ये एक तरह का समझौता है दो जन के बीच में। ठीक। दूसरा बात आता है, रॉबिन फॉक्स बोलते हैं कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, ये अलायंस और डिस्केंट। ठीक। ये मेल और से जनरली जो अलायंस है ये एसोसिएशन है एक आदमी का बहुत सारी औरत के साथ या एक औरत का बहुत सारे आदमी के साथ। ठीक है। क्या शादी बहुत तरह का होता है, इसीलिए टेम्पररी होता है और एंड हो जाता है आफ्टर डेथ पे। पर जो और ये एक इंटरप्रिटेशन है कि इसमें दो क्लैन भी जुड़ते हैं और दो बोलते हैं शादी दो परिवार का भी मिलन है, तो दो क्लैन भी जुड़ते हैं। और ये आपका ये किस पे डिपेंड करता है, जो अलायंस है दो डिपेंड करता है कि एंडोगैमस होगा कि एक्सोगैमस होता है। एंडो मतलब अपने बिरादरी में शादी, एक्सो मतलब बाहर बिरादरी में शादी। ठीक है। एक्सोगैमस आपका एक्सो क्लैन में दिखता है, जहाँ पे आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और बस इतना ही है। और जैक गुडी बोलते हैं कि कभी जो आपके जो डिस्केंट है उसमें जो क्लैन जो होते हैं उसमें कभी कभी एंसेस्टर जो होते हैं नहीं भी पता होता है, जैसे मतलब हमारे जो गोत्र हैं, क्लैन मतलब गोत्र हुआ ना, तो हमारे जो गोत्र हैं, अब बोला जाता है कि आप अगर कश्यप गोत्र से तो कौन जानता है कि मेरे जो हम उसी ऋषि मुनि के वंशज हैं, कोई प्रूफ तो नहीं है ना। तो जनरली जो क्लैन होता है इसमें प्रूफ नहीं होता, पर जो डिस्केंट होता है उसमें प्रूफ होता है कि हाँ आप ना मेरे दादाजी का नाम हमको पता है। अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, मेरे पास लिखित तौर पे कुछ होगा तो बता सकते हैं कि मेरे दादाजी के पापा कौन होंगे, पर क्लैन का जो हमारे एंसेस्टर पूरे लास्ट एंसेस्टर उनको नहीं बता सकते हैं। ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं है, मैट्रिलिनियल डिस्केंट है और पैट्रिलिनियल है, यूनिलिनियल है। मैट्री मतलब मदर है, लिनियल मतलब बताए थे कि नीचे आना, मैट्री की तरफ से आना, मतलब आपका जो नाम है, आपकी मम्मी का नाम, आपकी नानी का नाम, आपकी नानी की मम्मी का नाम, इस तरह से आपका नाम अगर पता चल रहा है, लगातार नाम आ रहा है, तो ये मैट्रिलिनियल है। पापा का नाम, फादर का नाम, फादर के नाम के बाद फादर का नाम, उसके बाद दादाजी का नाम, अगर दादाजी के सरनेम से आपका आ रहा है तो ये पैट्रिलिनियल है। मम्मी के सरनेम से अगर आपका आ रहा है तो ये मैट्रिलिनियल है, पैट्रिलोकल यूनिलिनियल हो जाएगा, जिसमें आपका जनरली एक ही साइड से आएगा। ठीक है। या तो मैट्रिलिनियल या तो पैट्रिलिनियल, यूनि मतलब सिंगल। ठीक है। और दूसरा आ जाता है, ये डिस्केंट का क्लासिफिकेशन है, और आता है पैट्रिलोकल। पैट्रिलोकल मतलब जिसके किसके घर में आप बच्चा रहेगा, किसके घर में लड़की जाएगी, लड़की पापा के घर में जाएगी, मतलब हस्बैंड के घर में जाएगी तो पैट्रिलोकल, मदर के घर में लड़का, वाइफ के घर में लड़का आएगा तो मैट्रिलोकल हो जाएगा। बार बार एक ही चीज़ बता रही कि आप हमको नहीं लगता आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इंडिया में खासी इंडिया में जो खासी नैयर्स वगैरह हैं, यहाँ पे मैट्रिलिनियल सोसाइटी, जनरली जो लड़का होता है वो वाइफ के घर पे आता है, प्रॉपर्टीज पर कंट्रोल जो नैयर्स में जनरली होता तो है मैट्रिलिनियल, पर प्रॉपर्टी को जो कंट्रोल करने वाले कौन होते हैं, वो मेल ही होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट।